अबे किडनैपर क्या यार, किडनैपर तेरी माँ की और इसकी माँ की कुंडली सेम है यार। तो मैं ना किडनैपर वाला गेम खेल रहा हूँ और यहाँ पे मुझे किडनैपर से बच के निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए यार। तो किडनैपर से बचना अपना बाएं हाथ का खेल है। किडनैपर क्या, ओ तेरी भाई साहब, ये इतने जल्दी कैसे आ गया? और यहाँ पे इसने मुझे कैद कर, मैं इसे बच छुप के इसमें बैठा हूँ यार, लेकिन ये पता नहीं कब यहाँ से जाएगा और मैं इस कंटेनर से बाहर निकलूंगा भाई। अबे घंटा यार, मेरा क्लासमेट वेट कर रहा था, तुम क्यों बता रहे हो? ये मेरी तरफ आ गया। ओह बे यार, मुझे इसी बात का डर था। तो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? तो गाइस आज मैं एक हॉरर गेम खेलने वाला है जो बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये हॉरर नहीं, ये हॉरर कम और किडनैपिंग वाला गेम चाहता है और इसमें बहुत सारे भूतिया सीन्स। देखो ना कैसे गर्दन टेढ़ी कर रहा है भाई। तो इस वाले गेम में ना मैं एक बंदे का रोल प्ले करता हूँ जो अपने दोस्त के साथ, ये तीन दोस्त होते हैं जिसमें दो दोस्त किडनैप होता है, जिसमें एक मैं भी हूँ यार। मैं बचाने के लिए जाता हूँ और मैं खुद ही फंस जाता हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और अभी मुझे ना इस वाले घर से बाहर निकलना है। सबसे पहले ना मुझे बाहर निकलना है और पहले मैं खुद तो एस्केप हो जाऊँ यार, उसके बाद ना किसी को बचाने वाला हूँ। और यहाँ से मुझे निकलना है। और हाँ मैं बता देता हूँ, जिस बंदे को ढूंढना है वो ना वो यहीं पे होगा, यहीं पे। हाँ देखो ये रहा उसकी आईडी, इस भाई साहब की एज और ये सब कुछ, इसमें नाम वाम लिखा है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। फिलहाल मैं गेट से बाहर आ गया और ये पता नहीं कैसा सस्ता किडनैप हो रहा है यार, जिसने भाई साहब मतलब इसमें चाबी नहीं लगा रखा है यार। और यहाँ पर गेट की आवाज़ सुनो ना भाई, ये लोग ना गेट की आवाज़ ऐसे क्यों लगाता है यार, जैसे मतलब सुनने में थोड़ा सा क्रीपी लगता हो यार, डर जैसा लगता हो। तो फाइनली मैं बाहर आ गया और यहाँ पे उस बंदे का कॉल आ गया है। और फिलहाल वो ना ट्री हाउस पे बैठा और मुझे ना एडवाइस दे रहा है मुझे क्या क्या करना है। नहीं नहीं, वो फिलहाल ना मुझे कह रहा है भाई अब तक कहाँ हो, और मैं उसको बता नहीं रहा कि मैं किडनैप हो गया हूँ। जस्ट किडिंग। देखो ये भाई भाई बंदा ना बहुत ज़्यादा मजाक किया है। और फिलहाल मुझे यहाँ से निकलने के लिए, इस वाले घर से निकलने के लिए ना इस गेट को ओपन करना होगा। इस गेट को ओपन करने के लिए मुझे चाहिए अंडे, पता नहीं यार इसका क्या कनेक्शन है, अंडे चाहिए भाई। और यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ दिखाया तो मुझे ना थोड़ा सा मन हुआ यार, इस मुर्गियों को ना मार के अपन चिकन लेग पीस खाएंगे यार, मज़ा आ जाएगा, तंदूरी लेग पीस ये सब खाने वाले हैं। लेकिन मैं जब भी ईट फेंक रहा हूँ ना, या तो इधर आ जा रहा है या फिर मुर्गियों को उस पार चला जा रहा है यार। तो मैं ये लास्ट नहीं मारा यार, ये लाखरी था, अब नहीं मारने वाला अपन। और तो अपन ना फटाफट से ऐसे अंडे लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं बस। तो इसमें ना तो ये रहा अंडे वाले बॉक्स, तो इसमें फटाफट से रखते हैं यहाँ पे ये तीन अंडा, तीन को मैंने इसमें रख दिया, इसमें पूरा भर के लेके जाना है यहाँ से। फिलहाल अंडे को मैंने इसमें रख दिया है और अभी निकलने वाले हैं इस गेट से। और यहाँ पे ये रही मेरी साइकिल, हालांकि किडनैपर ना बहुत ज़्यादा ईमानदार है, इसने मेरी साइकिल को ला के ठीक अपने घर के बाहर लगा दिया। भाई ऐसा किडनैपर मैंने पहली बार देखा है भाई, इतना ज़्यादा हेल्प कैसे कर सकता है? और यहाँ पे मुझे जाना कैसे है भाई, साइकिल पे बैठने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। और यहाँ पे गाय है भाई, मेरे इसको साइकिल पे बैठने का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो अपन जाएंगे कहाँ से? ओ एक सेकंड, ये हाई का सिंबल क्यों बना है, जरा देखते हो वहाँ पे जाके। ओ हाँ मुझे याद आ गया, मुझे जाने के लिए ना यहाँ से ट्री हाउस को चूज करना होगा, तभी हम यहाँ से जा सकते हैं। तो फाइनली मैंने ट्री हाउस चूज कर दिया और अभी मैं फिलहाल डायरेक्टली यहाँ पे ट्री हाउस के पास जाऊँगा और उस वाले बंदे से मिलूंगा यार, मजा आने वाला है। और वहां से जाकर मैं अपनी दोस्त को बचाने वाला हूँ। और यहाँ पे ओ किडनैपर तेरी भाई साहब, ये ऐसे अचानक से कैसे सामने आया? ये सब किडनैपर लोग ना, ये देखो ये किडनैपर है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा भूतिया वाला सीन क्रिएट कर दिया यार, ऐसे अचानक सामने आ गए भाई। अपन तो यार इसे ऐसे आ जाना तो भाई धड़कने का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिलहाल अभी मुझे ना एक और रूम में बंद कर दिया गया है और मुझे नहीं पता किस वाले रूम से कैसे निकलूँगा, बट यहाँ पे कोई तो यहाँ पे हिंट होना चाहिए या फिर कुछ तो टूल होना चाहिए जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊँ, या फिर गेट वेट तोड़ने का ऑप्शन तो दिया ना होना चाहिए, क्योंकि ये गेट है लॉक्ड है। और यहाँ पे ओ वीक स्पॉट, ये वाली जगह ना कमजोर है, किडनैपर बाहर घूम रहा है। तो साला किडनैपर जब तक जाता नहीं मैं कैसे निकल सकता यार, जब मैं जैसे निकलूंगा ना किडनैपर फिर से पकड़ लेगा। और यहाँ पे जो वीक स्पॉट था उसको मैं तोड़ने वाला हूँ इस ईयर से, ये रहा। तो फाइनली मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ और अभी फिलहाल मैं बाहर आ गया, इससे पहले कि किडनैपर मुझे वापस से पकड़ ले अपन यहाँ से निकलते। यार किडनैपर बहुत ज़्यादा लकी है, मैंने किडनैपर का नाम लिया, किडनैपर एकदम से आ गया। और अभी मुझे ना हाँ मुझे एक सेकंड यार, मुझे हाँ हाँ ये सीढ़ी देख रहे मुझे कुछ याद आ रहा है, अभी मुझे ना कुछ एक टायर चाहिए, जिसने और एक टायर चाहिए इसलिए क्योंकि इस किडनैपर ने इस बार ना मेरी साइकिल को तोड़ दिया है, अगला वाला टायर तोड़ दिया, और मुझे ना टायर चाहिए और टायर है यहाँ छत के ऊपर, और मुझे छत के ऊपर जाना होगा उस सीढ़ी की मदद से, और मुझे हैमर लेकर जाना होगा क्योंकि मुझे ना छत को तोड़ के अंदर जाना है। और यहाँ पे देखो मेरी साइकिल ब्रोकन है यार, अब किडनैपर यहाँ से जाए तब तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना, ये साला अपने पीछे नहीं छोड़ने वाला कोई ना यहाँ। और तो यहाँ किडनैपर भाई ये क्यों कर रहा है भाई मेरे साथ ऐसा, क्यों कर रहा है यार
भाई प्लीज यार जाने दे भाई, भाई ये नहीं जाने दे ला भाई साहब, अगर ये ऐसे करता तो मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। और यहाँ पे ना झूला है, इसने मुझे झूले पे बांध रखा है क्या भाई? इसने बोले मुझे मतलब झूले के अंदर बंद कर रखा है। कोई ना इसके अंदर से कैसे निकल सकता भाई मैं? ओ कोई ना यहाँ पे ये झूला ना बहुत तेज से घूम रहा है, मतलब यहाँ से शायद ये झूला टूट के गिर सकता है। ऐसा ही हुआ भाई, मेरा तो भाई आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। मैंने पहले और यहाँ पे ना किडनैपर गया था, और किडनैपर पीछे देख रहा है, यहाँ पे हैमर निकल, निकलते हैं यहाँ पे किडनैपर वापस से मुझे देख लिया है। और एक मुझे मरने का एक फायदा हो गया कि मुझे हैमर मिल गया, तो भी फटाफट से ऊपर चलते हैं, ऊपर से टायर लेके आते हैं। कोई ना यहाँ से फिर देखते हैं टायर कहाँ है, बट अपन उससे पहले ना इस वाले हैमर को वापस से गिरा देते हैं, ताकि मुझे ना एक बार मैं एक ही चीज ले जा सकता हूँ, टायर या तो हैमर लेके जा सकता था भाई। ये किडनैपर भाई मेरे को लगभग 3 बार मार चुका है, ये कैसे हो सकता है? मैं वापस से झूले में आ गया, फिर से झूले को मैंने गिरा दिया है, नहीं फिलहाली अब गिरा झूला, तो इस बार ना किडनैपर से बचना है बस, और वन एंड ओनली किडनैपर ही है तो यार जिससे बचना है। यहाँ पे ब्लॉक्ड है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि वो टायर किधर है। फिर मैं वापस से उसी वाले जगह पे आ गया, और यहाँ क्या हो रहा है भाई इस गेम में? सिर्फ और सिर्फ किडनैपर इतना जल्दी कैसे आ सकता है भाई? मैं नॉर इजी मिशन खेल रहा हूँ, और इजी मिशन में जब किडनैपर इतना जल्दी आ सकता है तो भाई अपना तो काम नहीं बनने वाला है। साला अपना यहाँ पे हीरो का रोल प्ले करने वाले थे, मतलब किसी को बचाने वाले थे, यहाँ पे मैं मेरी दुख फटी है यार, मैं कैसे बचाऊंगा? और वो किडनैपर फिर से मेरे आजू बाजू घूम रहा है। ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये मिशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। अबे घंटा तुम्हारा दोस्त कौन बने? ये करे ना लेट्स बी फ्रेंड, भाई इसका दोस्त कौन बनेगा यार इस किडनैपर का? साला किडनी विडनी निकाल के बेच देगा, अपन इससे बचेंगे पहले। और यहाँ पे ये बंदा इधर उधर क्यों घूम रहा? कोई नहीं, ये फिर से मेरे पास आ गया। और अब भी मुझे इसी बात का डर था कि यहाँ पे यही होने वाला है, और वापस से यही होगा। मेरे पास एक लाइफलाइन बचा, और इस बार मैं टपका तो टपक गया, समझो टपक गया भाई, फिर से खेलना पड़ेगा। लेकिन कोई ना मैं ट्राई करूंगा कि इसी वाले मिशन में इसको कंप्लीट कर दूं, आई मीन मुझे मरना नहीं है यार ये लास्ट बार। तो फाइनली मुझे ये मिल चुका है टायर, मैंने इसको अंदर लगा दिया, और अभी मुझे ना जाने के लिए वापस से ये मैप यूज करना होगा। और यहाँ पे ये रहा ट्री हाउस, तो फाइनली अभी मैं ट्री हाउस पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा एक दोस्त मिलने वाला, और उसके साथ मिलके हम उस एक और बंदे को छुड़ाने वाले हैं। तो फाइनली मैं ट्री हाउस के पास आ गया, और ये रहा सामने ट्री हाउस। तो बस वीडियो बस यहीं तक था, वीडियो अच्छा लगता वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है यार इस गेम की। तो अगर इसकी वीडियो चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट में बताना कि इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, मैं पक्का लेके आऊंगा यार। आप लोग मेरे भाई हो यार, तुम लोग बोलो मैं ना लेके आऊँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर। तो वीडियो को क्लोज करते हैं अब। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।